नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। यूजिंग द इनवर्स ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर उस ए इनवर्स का हमें यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हम इसका इनवर्स निकालते हैं एंड फिर उसका यूज करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जरा देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, यहां पे आ जाएगा वन। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इस डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व कीजिए, 4 2 8 माइनस, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का बनाएगा तो ये प्लस का 1 बन गया। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, और ये माइनस का 9, ये प्लस का 9 हो गया। इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6, यहां पे आ गया प्लस का 2, यहां पे आ गया प्लस का 9 या माइनस का 12 आ गया। तो यहां पे आ गया माइनस का 1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसके निकालते हैं कोफैक्टर्स। सबसे पहले ए वन वन, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचेगा 8 माइनस 6। माइनस 1 की पावर इवन नंबर, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2। फिर उसके बाद a12 निकालोगे, -1 की पावर 1 प्लस 2। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 9, एंड -1 की पावर ऑड नंबर, ये आ जाएगा -9। यहां पर a13, -1 की पावर 1 प्लस 3। इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ जाएगा 0 माइनस का 6, और -1 की पावर इवन नंबर, ये पॉजिटिव रहेगा, तो -6 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे a21, -1 की पावर 2 प्लस 1, और यहां पे आ गया इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ गया -4, माइनस ये -4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज 0, और ये नेगेटिव आएगा बट 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। -1 की पावर 2 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस 6, ये आ गया 2। -1 की पावर इवन नंबर, पॉजिटिव रहेगा। -1 की पावर 2 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और ये आ गया -1। इसके बाद निकालते हैं a31, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 3 माइनस 4, -1 की पावर इवन नंबर, पॉजिटिव, तो ये आ गया -1। a32 निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 माइनस 0, -1 की पावर ऑड नंबर, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। a33 ये हो गया -1 की पावर 3 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 0, और ये आ गया आपका 2। तो सारे कोफैक्टर्स मुझे मिल गए। अब हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है, वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। 2 -9 -6 0 2 -1 -1 3 2, इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 2 -9 -6 0 2 -1 -1 3 2, ये आ गया एड जॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो यहां पे आ जाएगा ए इनवर्स जो होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एड जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में। तो जरा चेक करिए, यहां पे आएगा 1 अपॉन -1 एड जॉइंट ऑफ ए, यानी एड जॉइंट ऑफ ए में -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो
तो माइनस वन की मल्टीप्लाई करते जाओ और लिखते जाओ, ये हो जाएगा माइनस का टू, ये जीरो ही रहेगा, ये प्लस का वन, ये प्लस का नाइन, ये माइनस का टू, ये माइनस का थ्री, ये प्लस का सिक्स, ये प्लस का वन, ये माइनस का टू, क्योंकि माइनस से सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे आ गया सिंपल, यहां पे दिस इज प्लस का टू। ओके, अब हम ए इनवर्स को जरा टैली करें, तो माइनस टू जीरो वन, नाइन टू माइनस थ्री एंड सिक्स वन माइनस टू। ओके, ये जो एलिमेंट है वो प्लस का आ रहा है, दैट मीन्स हम कुछ मिस्टेक कर गए हैं यहाँ पे ए टू थ्री के अंदर। ए टू थ्री के अंदर हम देखेंगे जरा, माइनस टू और ये प्लस का थ्री, तो ये आ गया आपका माइनस का, ओके, टू टू के अंदर फोर माइनस सिक्स, तो ये आएगा माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस का टू, और यहां पे हो जाएगा प्लस का टू। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है यूजिंग द इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हमें सॉल्व करना है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है। ए इनवर्स को निकालना वो एक अलग क्वेश्चन था, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन। ए क्या होगा? एक थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कॉफिशियंट्स को लेकर, वन माइनस वन टू, यहां एक्स का कॉफिशियंट नहीं है, मतलब आप उसे लिख सकते हैं जीरो, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस टू फोर। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स, जो भी वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं, एंड यहां पे वन वन थ्री एक कॉलम मैट्रिक्स सामने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। आप ध्यान से देखें, क्या ये वही मैट्रिक्स है? आप अगर इसको मैच करें तो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड इज गिवन बाय, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सॉल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा? वो हमें रखने से मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर। तो एक्स क्या है? एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स हमने अभी निकाला जो अब यहां यूज हो जाएगा, माइनस टू जीरो वन, नाइन टू माइनस थ्री एंड सिक्स वन माइनस टू, और बी कॉलम मैट्रिक्स वन वन थ्री, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टू जीरो थ्री, यहां पे नाइन टू माइनस नाइन, यहां पे सिक्स वन माइनस सिक्स। तो यहां पे आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, में यहां पे आ गया वन और यहां नाइन से नाइन कैंसिल हो गया, टू वन, यानी यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन, वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू, एंड जेड की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो मुझे यहां पर मिल गई है। ये क्वाइट इजी टाइप का बट एक लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन पर आप फोकस रखेंगे ताकि आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लो, फिर उस ए इनवर्स का ही यूज कर लो इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपको यहां एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर रखने से मिल जाएगा।